तो गाइस आज मैं लेकर आया हूँ ग्लू गन के लिए कुछ बेस्ट तरीका, जुगाड़ कह सकते हैं आप उसको, जिसको आपने थंबनेल में देख लिया होगा ऑलरेडी। तो इसमें कुछ अलग ही जुगाड़ करने वाला हूँ, तो मैं बताऊंगा नहीं, डायरेक्ट करके दिखाऊंगा, बनाकर दिखाऊंगा। सो चलिए, यहाँ पर लूंगा, देख सकते हैं ये पाइप एंड इसके ऊपर मैंने पेंट किया है पहले से, तो आप ये मत समझिए कुछ और है ये। तो एक पाइप लूंगा एंड पीवीसी पाइप का दो मैंने गोल कट कर दिया है पहले ही, मैं दिखाना जरूरी नहीं समझता हूँ गाइस ये सब, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होता है बहुत ज़्यादा। एंड हाँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करके देख लीजिए, क्योंकि आखिर यूट्यूब ने फीचर क्यों दिया है फास्ट करने का, तो देख लीजिए फास्ट करके। तो फटाफट से क्या करेंगे, इसको दोनों साइड इस तरीके से बनाएंगे एंड इसका पुली टाइप बनाएंगे, ठीक है। तो आप फटाफट से इसको पुली टाइप बनाते हैं। इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट कर दिया, देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से पूरी दिख रहा है। एंड अब इसको क्या करना है हम लोगों को, कि इसको हमको इस तरीके से यहाँ पर होल्ड करना है इसके पीछे, जिससे कि ये घूमता रहे। तो आप समझिए कि मैं किस तरीके से इसको वर्क कराना चाहता हूँ। तो यहाँ पर कुछ होल्डर टाइप इसका बनाते हैं, तो देख लेते हैं वो भी। तो गाइस इसको मैंने कंप्लीट कर दिया एंड देख सकते हैं ये कुछ इस टाइप से, इस एंगल में मैंने इसको चिपकाया, तो आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से लगाएंगे, बट ये पास हो रहा है, दिखा लूँ, देख सकते हैं ये पुली जो कि इस तरीके से लगना चाहिए, तो इसको थोड़ा सा बीच में सेंटर में रहना चाहिए, तो इसको थोड़ा सा बेंड करेंगे एंड उसके बाद इसमें इसको होल्ड करेंगे। बड़ी मशक्कत के बाद, हाथों को काला कर लेने के बाद, अब गर्मी में भीग जाने के बाद इसको कंप्लीट कर लिया है। हाथ थोड़ा थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा जल गया है, तो इसको पेंट करने के बाद ये मेंटेन हो जाएगा। एंड अब क्या करना है इसके आगे हम लोगों को, इसको कुछ इस तरीके से, इस पर उल्टा हो रहा है, इसको कुछ इस तरीके से इस पर लगाएंगे अच्छी तरीके से, और इसको देख सकते हैं ये छोटा बड़ा हुआ तो वो बाद में एडजस्ट कर लेंगे। एंड कुछ इस टाइप से इसको इस पर एडजस्ट करेंगे, तो इसको बीचों बीच हम लोग यहाँ पर होल्ड करके राड इसमें लगाएंगे, जिससे कि ये फ्रीली मूव करे, तो वो देख लेते हैं। कर लेने के बाद इसको इस तरीके से ये रोटेट होना चाहिए, तो इसके बीचों बीच कुछ राड लगाएंगे, राड नहीं क्योंकि राइट नहीं मेरे पास। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पेन आता है, जो छूने वाला जो पेन आता है ये उसी का मैं खाली यूज कर रहा हूँ। तो इसके बीचों बीच छोटा मैंने होल्ड किया है, तो यहाँ पर मैं इसका थोड़ा मोटा होल्ड कर दूंगा, इसको इसमें फिट कर दूंगा। सर इसको मैंने फिट करके चिपका दिया एंड कट भी कर दिया है, जितना मुझको यहाँ पर छोड़ना था उतना ही मैंने छोड़ा एंड इसके ऊपर मैं आपको फिट करके दिखाता हूँ। एंड यहाँ पर भी मैंने मोटा होल कर लिया है इसमें, ठीक है। तो इसमें अब लगाते हैं अच्छी तरीके से, तो देख सकते हैं बिल्कुल भी बाहर कहीं नहीं निकला है। एंड यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से फ्रीली यहाँ पर ये मूविंग कर रहा है, बट प्रॉब्लम बात यहाँ पर आती है, क्योंकि ये देख सकते हैं ये इस तरीके से टन जा रहा है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कुछ पीसी पाइप का पीस लगाएंगे, जिससे कि ये इजीली इसमें अच्छी तरीके से फिटेड रहे, तो अब वो भी देख लेते हैं। तो गाइस इसको मैंने कंप्लीट कर लिया है एंड देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको रेड कलर में पेंट किया है, क्योंकि इस तरीके से हाईलाइट दिखेगा एंड जुगाड़ भी दिखेगा। तो देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पर ये मूविंग कर रहा है। एंड अब बात आता है कि इसमें किस तरीके से क्या करना है इसके आगे का प्रोसेस, तो आप तो ऐसे ही समझ गए कि यहाँ पर हम लोग ग्लू स्टिक को यहाँ पर हम इस पर लपेटेंगे अच्छी तरीके से, तो ग्लू स्टिक भी देख लेते हैं। तो गाइस ये इतना लंबा ग्लू स्टिक ये मैंने ऑनलाइन मंगाया है, तो इसका परचेस लिंक इस वीडियो में डाल दूंगा। इसको मैंने घर पर चिपकाया है, ऑनलाइन ही मंगाया गया, सिर्फ मैंने ये छोटा छोटा ऑनलाइन मंगाया इसका पीसेस। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसको हीट करके चिपकाया, तो वो आप कोई भी कर सकता है आराम से, दोनों तरफ हीट कीजिए इसको, चिपका दीजिए। एंड अभी मैं दिखा भी दूंगा आपको, तो ये देख सकते हैं मैंने 5 इसमें जोड़ा है, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, तकरीबन ये 2.5 फीट हो गया है। तो फटाफट से क्या करेंगे, इसके ऊपर इसको अच्छी तरीके से लपेटेंगे, तो वो भी इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर अच्छी तरीके से टाइटली इसको यहाँ इस पर लपेटना है अच्छी तरीके से। तो फटाफट से इसको मैं लपेट लेता हूँ गाइस, इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर फोल्डिंग कर दिया। यहाँ पर कम भी पड़ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में इसमें जोड़ लूँगा। एंड इसको अच्छी तरीके से सर देख सकते हैं बेंड करके यहाँ पर हीट करके इसको इस तरीके से चिपका देंगे, तो वो भी मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं लाइटर से इसको मैं हीट कर दूंगा, जिससे कि मेल्ट हो जाएगा। एंड इसको भी करना पड़ेगा गाइस, क्योंकि बिना इसके किए नहीं हो पाएगा। और इसको अच्छी तरीके से इसमें अटैच कर देंगे, देख सकते हैं कुछ इस टाइप से, और कुछ देर वेट करेंगे। यहाँ पर ये चिपक गया है, इसको इस तरीके से बैंड कर देंगे अच्छी तरीके से, देख सकते हैं टाइटली। एंड छोड़ देंगे तो थोड़ा सा घूमेगा गाइस, ठीक है। एंड उसके बाद से अब ये नहीं घूमेगा,
एंड मतलब देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा घूमेगा, थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा घूम गया, पर इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर ये अब अटैच हो चुका है, ये निकलेगा भी नहीं। और अब मैं फटाफट से इसको हीट करके आपको चेक करके दिखा देता हूँ। वैसे ये हीट हो चुका है एंड यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूरा तो दिखेगा नहीं इसको राउंड राउंड घूमते हुए, क्योंकि ज़्यादा ग्लू यहाँ पर यूज़ करना नहीं है। देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर निकल रहा है। एंड यहाँ पर मैं मैट पर ही आपको दिखाता हूँ चिपका कर, देख सकते हैं चिपक जाएगा ये। एंड एक बार मैं आपको पास दिखा देता हूँ, पलक निकल गया, ठीक है। देख सकते हैं ये जब यहाँ से हम लोग प्रेस करेंगे तो यहाँ से आगे से ग्लू निकलेगा, देख सकते हैं। और ये धीरे धीरे खींचता जाएगा यहाँ से, एंड ये गोल गोल जो राउंड राउंड है ये निकलता जाएगा, जिससे कि आपका ग्लू स्टिक बार बार ख़त्म नहीं होगा। तो मैं जहाँ तक लगता है कि मैं आपको स्टार्टिंग से ही पता चल गया होगा कि किस तरीके से वर्क करेगा। एंड किस किस को लग गया तो कमेंट में जोर से बताइएगा। और कैसा लगा ये जुगाड़, एक तरीके से बहुत छोटा एंड कोई भी बना सकता है इजीली, तो कैसा लगा जुगाड़ कमेंट में जरूर से बताइएगा। एंड हाँ गाइस, मैं अयोध्या गया था तो वहाँ पर मेरे साथ क्या हुआ है क्या नहीं वो सब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो जाकर देखिए, फुल वॉच कीजिए। एंड थैंक यू क्या सब इतना सपोर्ट एंड प्यार दे रहे हैं अपना, तो के लिए बाय बाय एंड वन के फैमिली कंप्लीट कीजिए। जय श्री राम।